हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2G 3G और 4G BSNL का 2G 3G और 4G सर्विस कैसे काम करता है और BSNL के टावर लगवाने के प्रोसेस क्या है, उस पर हम बात करने वाले हैं। और कवरेज देखते हैं 2G 3G की 4G के जो कवरेज है वो क्या है और एंटीना का क्या काम है BSNL जो टावर है उसमें। तो एंटीना आपको टावर में एक 2G है तो उसके लिए 3 एंटीना लगा हुआ है जो ऊपर में लगा हुआ दिख रहा है। 2G का 3 है, 3G का 3 है, 4G का भी 3, तो तीन एंटीना ही रहता है। तो 2G का जो 3G 4G का जो एंटीना है तीन रहता है। एक एंटीना जो है 120 डिग्री पर कवर करता है, तीनों तीन डायरेक्शन में होता है। 120 करके 360 डिग्री में तीनों जो कवर कर लेता है पूरा क्षेत्र को। तो 2G का कवरेज बहुत ही अच्छा था, करीब 7 से 8 किलोमीटर तक 2G मिल जाता था। 2G बेसिकली हमको बात करने के लिए वॉइस सर्विस के लिए थी, लेकिन डाटा के लिए 3G जब से आया तो डाटा काम करने लगा। 3G का कवरेज आपको 5 से 6 किलोमीटर था, जैसे ही 4G आया था 4G का भी कवरेज और कम हो गया। 5G आएगा तो उसका कवरेज और कम हो जाएगा। तो 4G का कवरेज लगभग आपको 3 से 4 किलोमीटर तक मिल जाता है, लेकिन जो 700 बैंड वाला आया है 4G उसका कवरेज अभी करीब 8 से 10 किलोमीटर है। तो कवरेज इसका अच्छा है। तो 4G BSNL का जो लॉन्च होने हुआ है उसका स्पीड भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप चाहे तो BSNL का 4G सर्विस का लाभ ले सकते हैं। और ये कैसे चलता है वो हम आपको सिस्टम भी दिखलाएंगे। देखिए यहाँ पे AC भी लगा हुआ है। AC जो लगा हुआ है इसका काम है, जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं 4G सर्विस चलाने के लिए उसको कूल करने का काम करता है, कूलिंग करने का काम करता है। ये हम आपको अभी दिखाते हैं कि जो इक्विपमेंट लगा है क्या क्या ज़रूरत होती है ये 4G सर्विस को कनेक्टिविटी देने के लिए। 2G 3G 4G जो भी सर्विस है उसको कनेक्टिविटी देने के लिए क्या क्या सिस्टम से चलता है, हम अभी एक एक्सचेंज के अंदर जाएंगे और देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सर्वर रूम है। यहाँ पे पूरा सर्वर जो है BSNL का वो लगा हुआ है। मेके करके दिखाएंगे, थोड़ा सा रिव्यू दिखा देते हैं आपको। ये नया 4G चलाने के लिए जो सिस्टम है मान लगा हुआ है, सिस्टम का नाम है मान। ये सिस्टम इसका कैपेसिटी आपको बहुत ज़्यादा है, लगभग 800 Gbps है। ये आपको 4G सर्विस है, इससे हाई स्पीड इंटरनेट चलेगा जो कि कस्टमर को बहुत तेज़ी से इंटरनेट फास्ट स्पीड चलेगा। इसके लिए मान लगाया गया, मान कनेक्टिविटी 4G जो टावर है उसको कनेक्ट करता है एक दूसरे से, मतलब कि मीडिया प्रोवाइड करता है। इसमें बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, 800 Gbps तक के वो पावर जो फ्रीक्वेंसी भेज देता है, बैंडविड्थ देता है। तो ये बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी का मान सर्विस आया हुआ है। और ये एक पुराना वो है, एक पुराना इक्विपमेंट है जो कि ODM है। ये इसमें आपको 10G DWDM बेसिकली इसका नाम है, DWDM यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका 10G पोर्ट जो पहले जो 2G 3G सर्विस चलते थे 10G से चलता था, इसलिए स्पीड नहीं मिलता था BSNL को। लेकिन अभी जो 800 Gbps लगाया है मान, उसके थ्रू स्पीड बहुत ही बेहतर होगा। यहाँ पे एक STM16 लगा हुआ है, ये STM16 है, ये 2.5 Gbps देता है। और दिखा देते हैं कुछ इक्विपमेंट। देखिए एक OC LAN लगा हुआ है और यहाँ पर एक गाँव पंचायत यहाँ पर भी एक सिस्टम लगा हुआ है, ये STM16 है। यहाँ पे एक वो लगा हुआ है, ये आपका है जो BBNL का इंटरनेट चलता है, जैसे कि जो उद्यामी के अंतर गांव पंचायत में जो इंटरनेट मिलता है इससे मिलता है। ये BSNL का सर्वर रूम था और हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितना सर्वर लगा हुआ, मेन ऑफिस में हम आए हुए तो सर्वर का आपको बताएं। अब बात करते हैं कि अगर आपको टावर लगवाना है तो टावर लगाने के लिए आपको BSNL अपने BSNL का नज़दीकी ऑफिस जो है वहाँ पर संपर्क कीजिए। और आप अपने गांव में देखिए वहाँ पर आपका टावर नहीं काम करता BSNL का सिग्नल, तो अपने गांव का जनसंख्या जितना है लगभग 100-200 आदमी के पेज पे साइन करा कर ले आ करके BSNL के जो अधिकारी हैं यहाँ नियरेस्ट उनको दीजिए और उनसे बात कीजिए, वो आपको प्रोसेस बता देंगे। और ये अधिकारी जो होते हैं SDO लेवल के अधिकारी होते हैं जो SDCA में रहते हैं, ये आपका कॉपी को साइंड कॉपी को भेजेंगे हायर अथॉरिटी को, और हायर अथॉरिटी आपको ऑफिसर भेजेगा वेरीफाई करने के लिए। अगर रिक्वायरमेंट होगा तो अभी टावर लग जाएगा। BSNL 4G टावर लगाने पर बहुत ही फास्ट काम कर रहा है, तो
ये मेरा छोटा सा प्रयास था, मैं सोचा आपको बता दूं BSNL के 4G सर्विस किस तरह से काम करता है, BSNL के सर्वर रूम कैसा होता है, मैं आपको दिखाया। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।